मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जैसे मेरे भगवान कहते हैं ना गुरुदेव भगवान कि जैसे बच जाओगे 10 सीढ़ी से गिरते गिरते 2 सीढ़ी से गिरोगे तो मरोगे नहीं, बच जाओगे किसी तरह। मगर नहीं था, कुछ मैं कर रही थी एक्सपेरिमेंट, वो फट गया। लेकिन इस तरह उस दिन मेरा घर जलता है, ब्रांड न्यू घर, साल भर भी नहीं हुए हैं। उस दिन हमें बचाने वाला कोई था ही नहीं। बजरंगबली आप ही बचाइए, और तो मैं कुछ कर नहीं सकता। एक बालाजी का फोटो है दरवाजे पर, ओम बागेश्वराय लिखा हुआ है, बजरंगबली का पंचमुखी हनुमान का फोटो आगे रखा हुआ है, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ है दिमागी तौर से। जो मैं बहुत परेशान रहती थी, हंसती नहीं थी, अब मैं हंसती भी हूँ। मैं तो दिन भर हंसती रहती हूँ, जबकि मैं पहले बिल्कुल हंसने से कसम खा चुकी थी। मेरा नाम शशि प्रभा झा है मैं तो, और नेपाल से ही हूँ। तो मैं 2023 से यहाँ इसमें जुड़ी बागेश्वर धाम के साथ, और उसमें ऐसा हुआ कि मेरे घर में खुशियाँ नहीं थी। हम मेरे 3 बच्चे और हम 2 हैं, तो हम लोग था सब कुछ, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ बिखरे बिखरे जैसे, अपने अपने कमरे में बंद, किसी से बोलचाल नहीं था, किसी से किसी को बोलना मतलब बढ़िया रिलेशन नहीं था हमारे में। जैसे मैम आप लोग इस ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, सही ऑस्ट्रेलिया बोला ना आपने, तो मतलब जैसे वहाँ प्याज लहसुन और ये वहाँ तो नॉन वेज भी बहुत चलता है, तो आप लोग फिर कैसे करते हैं ये अभी तक कह रहे हो? मजे से कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। बेटा भी कहने जो हर रोज बिना बगैर मांस का बगैर इन सब चीज़ों का खाना नहीं खाता था, वो कहता है कि मम्मी बनाओ ही मत, तुम्हारे घर में भी कोई आते हैं तो वही खिलाओ जो तुम खाती हो, और वो भी एक किस्म से बंद ही कर चुका है, बाहर खाता है, हमारे साथ नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट यही है। एक बात और बताऊंगी कि जो बच्चे हमारे अपने ही बच्चे को पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, हम जैसे के तैसे हम बदले ही नहीं हैं, लेकिन उन लोगों को लगता था कि मम्मी पापा हमारे साथ ठीक नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अब वही लोग धीरे धीरे मतलब हमारे जैसे होते जा रहे हैं। तो बस वही कहूँगी कि प्रभु का ही ये देन है कि बच्चे इस तरह से कर रहे, तो वो बदलते क्यों, क्योंकि हम तुमने तो अच्छा कुछ किया ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि एक ओवरसीज देश, एकदम हाई कैपिटल इनकम वाला देश, तो यहाँ पे आपको कैसे खींच, मतलब आप तो हैं नेटिव तो नेपाल के, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की बातें आपको इतना ज़्यादा घर कर गई कि आप खींचे चले आए, उसका क्या रीज़न, आपको क्या चीज़ इनके अंदर लगी कि आपको जाना ही चाहिए? जैसे भगवान कहते थे कि लहसुन प्याज मत खाओ और ओम बागेश्वराय का नाम जपो, घर में बागेश्वर का जी का एक फ़ोटो रखो, तो सब हमने किया। और उसके बाद हमारा घर जो अंधेरा दिखता था, क्योंकि मेरा हृदय अंधेरा था, मेरी आंखें अंधेरी हो गई थी, तो वो जो अंधेरा दिखता था इनसाइड मन से, वो मतलब एकदम ब्राइट दिखने लगा। तो बता नहीं सकती हूँ कि क्या है ये चीज़, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वही मैं कह रही हूँ। जैसे जब से बागेश्वर बालाजी से आप जुड़े, क्या क्या चेंजेस आए हैं लाइफ में, परिवार में, सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी, मतलब जो आपका इकोनॉमिक कंडीशन तो पहले से ही बेटर होगा जब आप बाहर रहते हैं, लेकिन क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं? सोशल में जैसे पूछेंगे तो सारे रिलेटिव्स जो हैं एक साथ, हम लोग पहले जितने हम लोग दूर दूर जैसे थे, अब हम लोग साथ जुड़ने लगे हैं। इन्हीं के नाम से अब मैं सबको एक साथ जोड़ती हूँ और कहती हूँ कि तुम लोगों को भी हमारे साथ जाना है, जैसे दोनों साइड के फैमिली को, तुम लोगों को भी हमारे साथ जाना है, दीदी आप पहले चले, हम बाद में आएंगे आपके साथ, फिर दूसरे बार चलेंगे। तो एक एक करके वो धीरे धीरे बदलते जा रहा है, बच्चे भी बदल रहे हैं, फैमिली के जो लोग हैं वो भी क्लोज हो रहे हैं। और जैसे आप कहेंगे इकोनॉमिक, तो हम लोग तो दोनों रिटायर्ड हैं, तो हमारी क्या होने वाली है, हम काम नहीं करेंगे तो हमारा सुपर एनिवेशन कहाँ से आएगा, है ना, तो वो नहीं आ रहा है, लेकिन बाद बाकी हम लोग ठीक है, ऐसे भगवान की कृपा से हम लोग उसी। आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, बाहर जैसे आपने घर में खाना खा लिया, अब ट्रैवल करना है तो फिर पैक्ड जो फूड आता है उसमें भी किसी में अनियन वगैरह होता है, फिर कैसे मैनेज करते हैं? तो भूखे थोड़े रह लेते हो? नहीं, हम बना कर ले जाते हैं, क्योंकि ढेर सारा चीज़ वहाँ मिलता है, ऑप्शंस इतने हैं कि आपको मिल जाएंगे कुछ ना कुछ खाने के लिए, और नहीं तो हम घर से लेकर चले जाते हैं। और कोई गेट टुगेदर हो, कुछ कोई पार्टी हो, तो हमारे लिए मतलब हम स्पेशल हो जाते हैं वहाँ पे, कहते हैं हजारों में अंकल आंटी एक हैं जो नहीं खाने वाले हैं, तो ये स्पेशल है, इनके लिए बनेगा, तो हमारे लिए अलग से बनता है। दिव्य दरबार में हम लोग बहुत सारे चमत्कार देखते हैं, कुछ चमत्कार आप लोगों के साथ हुआ है हनुमान जी का? हुआ है, बताएं यहाँ पर। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जैसे मेरे भगवान कहते हैं ना गुरुदेव भगवान कि जैसे बच जाओगे 10 सीढ़ी से गिरते गिरते 2 सीढ़ी से गिरोगे तो मरोगे नहीं, बच जाओगे किसी तरह।
मैं जिसको हमारी भाषा में मैथिली भाषा में सुड्डाह कहा जाता है, सुड्डाह का मतलब हर कुछ जल जाना, बर्बाद हो जाना, एकदम से बिखर जाना। तो मेरा जो ये मतलब रियल घटना है कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बस कोई काम कर रही थी अपने किचन में, और छोटा सा भूल था, वो कोई बड़ी भूल नहीं थी, लेकिन इस तरह उस दिन मेरा घर जलता है, ब्रांड न्यू घर, साल भर भी नहीं हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, इस तरह से वो जलता कि शायद मैं उस घर में जल जाती और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, वो जॉब पे था, ये भी कहीं थे, ये दोनों उस चिंता से डूब जाते, क्योंकि इतने पैसे जो जिसमें लगाए हैं वो इस तरह से चला गया। और वो वहाँ के हिसाब से कितने का होगा घर, इंडिया के हिसाब से? इंडिया के हिसाब से कितने होगा? 1.3 मिलियन कथी रहते ऑस्ट्रेलियन डॉलर। हाँ, इंडिया के हिसाब से करोड़ों में। हाँ, तो वो मिनट में चला जाता, लेकिन पता नहीं कैसे, मतलब आवाज़ आई, अलार्म बजी और मैं दौड़ के आई, तब तक मेरे हस्बैंड वहाँ जाकर उसको ऑफ कर चुके थे, और ब्रस्ट हुआ, कुछ हुआ, छोटा सा घटना, लेकिन हम लोग बच गए। कुकर वगैरह था क्या? कुछ कुकर नहीं था, कुछ मैं कर रही थी एक्सपेरिमेंट, वो फट गया। मतलब एक वो कैरामेलाइज करना होता है कंडेंस मिल्क को, तो मैं वो कंडेंस मिल्क को कैरामेलाइज कर रही थी। मतलब इसको भी आप भगवान की कृपा मानते हैं कि उन्हीं के वजह से? उस दिन हमें बचाने वाला कोई था ही नहीं। ऐसे बागेश्वर बालाजी की आप पूजा करते हैं, क्या क्या रख रखा है उसके मंदिर में? क्या चीज समझाने? मंदिर में क्या क्या इनके रखा है? बस एक बालाजी का फोटो है, एक बालाजी का फोटो है, दरवाजे पर ओम बागेश्वराय लिखा हुआ है, बजरंगबली का पंचमुखी हनुमान का फोटो आगे रखा हुआ है, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ है दिमागी तौर से, जो मैं बहुत परेशान रहती थी, हंसती नहीं थी, अब मैं हंसती भी हूँ, मैं तो दिन भर हंसती रहती हूँ, जबकि मैं पहले बिल्कुल हंसने से कसम खा चुकी थी। पैसा से भी आप नहीं खरीद सकते हैं खुशियाँ, एक खुशी होती है, ये चीज है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपने पहले दफ़ा आपने पूछा ना कि ये क्या, मतलब आप देखे हुए, हम करिश्मा सब नहीं बदलना चाहते कि लोग इसको ट्विस्ट कर देंगे, ये बहुत ख़राब शब्द है वो, लेकिन वो सब वही है कि हमारे घर में हंसी तो है, था ही नहीं। तो जैसे मैम आपके घर में वो अंग्रेज फ्रेंड भी आते होंगे या मतलब जो भी, तो वो देखते होंगे कि अरे इतनी पूजा होती है इसका? वो लोग बहुत मानते हैं इसमें, तो वो लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, जैसे हमारे हम लोग मतलब पिकी होते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि देखो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, वो लोग बोलते नहीं हैं, बहुत खुश होते हैं ना? बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। जैसे जो लास्ट मेरा प्रश्न ये है कि जैसे लोग बाहर रहते हैं, उनका एक ही बहाना मान लीजिए या आर्ग्यू रहता है कि हम लोग तो बाहर रहते हैं, तो हमारा ये नहीं को बोलते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को कि हम लोग वो उतना मैनेज नहीं कर पाते नॉन वेज या वगैरह, तो उनको आप क्या कहेंगे जो एक बहाने बना लेते हैं कि हम तो बाहर रहते हैं इसलिए हम इतना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे? मैं कहूँगी मेरे मुँह से कोई गलत शब्द ना निकल जाए, लेकिन मैं कहूँगी तुम्हारे ऊपर धिक्कार है, क्योंकि मैं भी उसी जगह पर रहती हूँ, मेरा फैमिली भी वही है, हम मैनेज कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? बस सब मिलकर करो, और प्रभु जो हमें रास्ता दिखला रहे हैं उनके पद चिन्हों पर चलो, कुछ तुम्हारा खर्च नहीं होगा, और उसको मानते रहो, दिन अपने आप बदलते जाएंगे।